फुल पैसे पैसे हो के आपका भाई इस वक्त बैठा है। गाड़ी देखने पहुंच गए, गाड़ी शाड़ी को नजर मारने पर दिखता है। मेरा दिल कर रहा है इसको प्रोजेक्ट करें, खूबसूरती चेक करें भाई साहब। स्टाम फ्रॉज वाला भी बनता भाई साहब, मेरे जो है कंटेंट राइटर, इन्होंने चैट जीटीपी से सारा गाड़ी है वो थोड़ा पुनर क्लच कर रहा है। पूरा पाकिस्तान भेज देंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ इनकी जेब में है। शलवार पॉकेट एक दत्ती की गुड सीन हो गया, एक जैकेट खर्च पांच इधर गया। फुल पैसे पैसे हो के आपका भाई इस वक्त बैठा है और जाना भी इन ड्राइव पे, इसलिए इतनी एहतियात कर रहे हैं। गाड़ी अपनी होती तो डैशबोर्ड पे रख के ले जाते, अब ये कि अपने आप को बॉम्ब कह रहे हो, अपने आप को पैसे बांध लिए, इन ड्राइव मंगवाते हैं और एक गाड़ी चेक कर लिए, दो से चेक किए, मैंने वीडियो शीडियो में देख लिए, बातचीत करा होगी, बाकी जाके देखते हैं कुछ फाइनलाइज होता है या नहीं होता, तो गाड़ी जो भी लेके आ जाएंगे आपको एंड पे गाड़ी दिखाएंगे। क्योंकि क्या व्लॉग बनाओगे, गाड़ी देखने जा रहे हैं, दो तीन दिन से आपके भाई गाड़ी सर्च कर रहे हैं, तो ये गाड़ी पसंद की है, गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं, अपनी पेमेंट जब बाकी आएगी तब अपग्रेड कर लेंगे, फिर बाकी छोटी मोटी गाड़ी लेके आते हैं। भाई साहब मच्छर मार स्प्रे चल रहे हैं, सफर हो गया। जब भी वेट करने आए तो अपने दोस्त के दफ्तर जाके बैठते हैं। भाई साहब सच में थक गए, छोटा सा रास्ता था। हाँ ये भाई तो मरने वाले हो गए, सारे रास्ते सोता हुआ है। सीन ये कि वो टीम ही आई है, क्रिकेट टीम ही आई है, कोई टीम आई है, तो जिसकी वजह से रूट शूट लगे थे, रास्ते सारे बंद थे, खवार हो गए भाई तो पहुंचे, टेक्सला पहुंच जाते इतनी देर में। बड़ा संगी है शेब साहब, इनके गरीब खाने में आए, ये गरीब खाना है, सोए पड़े रहते हैं, काम जाम है नहीं, प्रॉपर्टी का दफ्तर बना के बैठे हैं। बड़ा बेहतरीन सा भाई का माशाल्लाह सेटअप है, तो आप लोगों को भी कोई भी बहरिया में हेलो हेलो भाई भाईजान सुन, बहरिया के अलावा भी आप डील करते हैं, पूरे पाकिस्तान को डील कर बेच रहे हैं, पूरा पाकिस्तान बेच देंगे आपको, कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ इनकी जेब में है। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो अच्छा होगा वो हम आपको देंगे, बताएं आपको। मुगलों ने वैसे ही पैसे बर्बाद किए हैं। चलो यार मुगलों की डिस्कशन मारो, क्या बैठे हैं और यहाँ बैठ के भाई से हमने आप ही कहा मेहमान वाला सीन तो नहीं भाई, अपना बचपन का दोस्त है, भाई चाय पराठे मंगवा खा के फिर आगे गाड़ी देखने जाएंगे। यार वो बयान है, टेंशन क्या किया पाकिस्तान पे जो करते हैं, बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। इतना पराठे खाई लिए नाकाम कोशिश के बावजूद हम जा रहे थे, लेकिन भाई ने कहा नहीं खाते जा, राजा जी भी इधर आ गए और वो राजा जी की लारी खड़ी है, लाइटें होनी क्या होते नाक में उंगली देखिए बोलने दोबारा क्या होते हैं। चल अपनी यार की गड्डी में बैठी और पहुंचे, हेलो हेलो भाई साहब मुझे लेते जाए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो जनाब चाय शाय भी होगी, घर से निकल आके घर से भी निकल आए थे, चाय शाय वाला सिस्टम भी हो गया, तो व्लॉग को कर लेते स्टार्ट, व्लॉग हमने स्टार्ट किया नहीं, तो करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग, उम्मीद है आप सब खैर से ठीक ठाक बेहतरीन मजे में होंगे। तो जनाब बस गाड़ी देखने जा रहे हैं, जाके पहुंचते हैं, गाड़ी देखते हैं, भाई ने देखी है, हमने अभी देखी है, और इसकी जबान पे जो है डील शील कर लेनी है। ये भाई ने जब मेरी डील कराई मुझे नुकसान हुआ। गाड़ी में पहुंचते हैं, गाड़ी कौन सी है बता दे, तो वैसे आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा, जाके दिखाते हैं। जनाब गाड़ी देखने पहुंच गए, गाड़ी शाड़ी को नजर मारने पर दिखता था, पीछे से तो तुम डैमेज हो रहे सारे। जनाब गाड़ी है थोड़ा पुनर क्लच कर रहा है, आपको पता है मैं लंबी डीले नहीं करता, मैं मुकाता हूँ 1 2 3। राजा जी ओके, राजा जी ये गाड़ी तकरीबन हो रही है, बोले हैं वो हम काम शाम है वो हम करा रहे हैं,
आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखता जाएगा। कार इज डन, परचेजिंग डन, अपनी गाड़ी तो खड़ी है, वो भाइयों की गाड़ी पे जा रहे हैं स्टाम्प कराने। स्टाम्प वाला बनता गाड़ी का चेसिस नंबर वगैरह चेक कर लिया, चलते बोनट गांव से खुलते हैं। ये छोटी मोटी चीजें मैं नहीं देखता, बस गाड़ी चल रही है। चलो डायरेक्ट कर, हाँ हाँ भाई साहब हैंड गेम भी है, ये क्लच इतना रोले वाला के भाई के ना लेग डे चल रहे हैं। गड्डी ले ली है और ये चेक करें हमें तोहफे में क्या मिला। बड़े दिन से यार पूरी गाड़ी की डिटेलिंग करेंगे, सीट का गत्ते शत्ते सब साफ करा देंगे अगर हुए, वरना चेंज करा देंगे। खुशबू लगाएंगे कि गाड़ी में बैठती सबसे पहले सिगरेट की स्मेल आई है, और सिगरेट टू बी ऑनेस्ट आपके भाई जस्ट हेट स्मोक, मतलब इस सिगरेट्स के जो स्मोक है ना इसकी क्या स्मेल है भैंस की। तो वह खैर गाड़ी साड़ी यही है, बस गाड़ी लेके सीधा घर जाके पहुंचते हैं, घर वालों को जाके गाड़ी चेक कराते हैं। आपको सुबह एक दफ़ा फिर गाड़ी चेक करा देंगे और मकैनिक को भी चेक करानी सुबह, तो बस सीधा गाड़ी मकैनिक को देनी क्योंकि इसकी क्लच बहुत हार्ड है। या तो क्लच की केबल का रोल है या क्लच प्लेट का रोल, लेकिन इंजन माशाल्लाह जैसा फील हो रहा है ना भाई साहब, इंशाल्लाह अल्लाह करे वैसे ही। तब स्टाम फ्रोज वाला भी बनता, फिर हमने मैनुअली ये भाई साहब मेरे जो है कंटेंट राइटर, इन्होंने चैट जीटीपी से सारा एग्रीमेंट निकाला है, फिर हमने वाइट पेपर भी बस प्रिंट करके और बाकी सारे जो फॉर्मेलिटीज़ होती है फिल करके। वैसे मेरा दिल कर रहा है यार इसको प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट मतलब हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्ट नहीं करते, लेकिन आप यार जो मतलब पहले तो मैं इस गाड़ी को करूँगा 0x0, जो चूँ चाँ ची हैं सब बदल देना, सब ओके करा देना, उसके बाद अपने लेवल पे लेके आएंगे। डिसेंसी इज द की, मतलब अपना एक लेवल है ना, मतलब अपना लेवल है ना ब्रो। खैर बाकी घर पहुँच के आपसे बात करते हैं, अभी तरह बाजू थक रहे हैं और टांग भी थक रही है और मैनुअल गाड़ी है, शीशे भी हाथ से चल, सिग्नल भी खुला हुआ है, तो हम नस्ते अबे बंद है अबे खुला है। A few inches later मेरे भाई ये शीशा का ब्लैक पेपर लगे थे तो भाई कहते हैं उतारे क्योंकि इंस्पेक्शन कराई थी गाड़ी, ये चेक करें जी, ये डेंट है, ये हम ड्राई डेंट ही निकलवाएंगे इसके अलावा गाड़ी माशाल्लाह दो पीस है इसमें टचिंग में, बाकी टोटल गाड़ी अपने कंडीशन में। खूबसूरती चेक कर रहे हैं आप गाड़ी की, खूबसूरती चेक कर रहे हैं भाई साहब। गाइस चेक दिस आउट गाइस, न्यू एंट्री, न्यू ब्यूटी इन हाउस साबुनदानी, और ये मॉडल है 2010 इस्लामाबाद नंबर है, वाइट कलर टचिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, और ये भी है लेकिन वो ये है कि तो खैर रफ शफ पता लगेगा ना गाड़ी पप्पू हो जाएगी, गाड़ी में पिलाहट आई है वो आपको मेरे दिन दिन के व्लॉग में किसी में पता चल जाएगा, ये भी हम सफाइयाँ कराएंगे तो पप्पू सी हो जाए माशाल्लाह। बाकी इंटीरियर इज वेरी गुड, मैं अतरा निकाल दी। अच्छा तो इसके साथ भाई साहब सिनेरी ये आपके भाई की स्टोरी सुनाऊं, सैड स्टोरी सुनाने लगा। एक मिनट यार, आपके भाई ने क्या गाड़ी रखी थी, सर्फ रखी थी, अभी रिसेंटली सर्फ बेच के कल्टेस पे आ गए हैं, इससे पहले आपके भाई ने माशाल्लाह। खैर आप लोग जो स्टार्ट से हैं वो देख ही रहे, मैंने खैर इतना स्टार्ट से नहीं बनाया जिस टाइम पे आपके भाई ने मर्सिडीज निसान पेट्रोल, उसके मेरे ब्लॉग्स नहीं है लेकिन उनका जिक्र करता रहता हूँ क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी है और रही है, दिल को प्यारी है। फिर आपके भाई ने एक्स रखी थी, एक्स के साथ BMW ली हमने जिससे बड़ा जलील अखबार कराया, वो व्लॉग्स आपने देखी होंगे, बेशुमार बीमारी के व्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। और ये कि खैर अब मैं आपको यहाँ पर दुखी बात बताऊँ तो देखें यार अल्लाह की करनी है, इससे पहले आपके भाई के पास रिबॉन होती थी, 4 साल वो मैंने रखी, बड़े जी जान से गाड़ी को बनाया, पाक व्हील्स पे जानी जाती थी, इस्लामाबाद में जानी जाती थी। उससे पहले आपके भाई ने इससे भी डॉल्फिन रखी थी, मेरा शायद लाइसेंस भी नहीं, आईडी कार्ड भी नहीं होता था, लाइसेंस तो दूर की बात, मैंने वो मॉडिफाई की थी इस्लामाबाद की 1&1 ब्रो, कभी क्लेम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया ना, उस टाइम पर इतनी तस्वीरात बनाई ना शौक था, लेकिन खैर ये अपने खून में शुरू से ही है, 2000 तकरीबन 8 की बात है, तब से मेरे ख्याल में गाड़ी मॉडिफिकेशंस करता आ रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के बाद बाप ने सारे शौक पूरे करे हैं।
अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती सलामत रखे मेरे वालिदैन को, और ये कि और हमें इस तौफीक दे कि अब हम उनके शौक जो पूरे कर सके। और यकीन माने गाड़ी चला रहा था, मेंटली सुकून था यार, छोटी गाड़ी है, पेट्रोल भी नहीं पड़ेगा इतना, ये वो जेब कुछ भी सुकून भाई साहब, वरना सिर्फ जब निकालो 5000 का उसके मुंह में, तो जब निकालो 4000 रुपए का डीजल डल रहा है, 5000 का डीजल डल रहा है, ये F10 तक जा रहा हूँ आ रहा हूँ 4000 फूक रही है। खैर अच्छा टाइम गुजारा, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन इस गाड़ी को मेरी कोशिश है कि हम इसको टेंट्स वगैरह ना करें, गाड़ी को साफ सुथरी सिंपल डिसेंट सी स्टैटिक सी स्टार्ट्स करेंगे इंशाल्लाह ताला। खैर ये सारे मामलात हैं, बाकी गाड़ी के जो कामकाज होंगे आपको आने वाले व्लॉग्स में दिखते रहेंगे। इसके साथ ही आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, गाड़ी की परचेसिंग कर चुके हैं, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी व्लॉग में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दिया करें गरीब आदमी को, और इंस्टा पे जाके भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फीमन अल्लाह, पीस आउट, गुड नाइट, छुपा खैर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय, टाटा, ओके ओके कल्टस गैंग। और हाँ आप लोग मुझे रिकमेंड भी करें कि गाड़ी का नाम क्या रख सकते हैं, वैसे आपके भाई के जेन में एक है, अगर आप जानते हैं तो जानते हो कि मेरे छोटे भाई के पास कल्टस थी, उसका मैंने नाम रखा था, इसका हम वही नाम रखने लगे। खैर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वन, बाय बाय, छुपा खैर। See you.